चलते हैं। देखिए ऐसी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, जंगली जानवरों से बचने के लिए यहाँ पे महाराज जी ने लट लगाया, इसे निकाल देते हैं, चलते हैं। महाराज जी लीजिए, ठाकुर जी की तरफ से आपके लिए कमल। हम तो चाहते हैं कि सनातन धर्म का समलो विकास हो, समलो कलयुग में समलो भजन करने वाले लोग बहुत कम लोग होते हैं, मोह माया में समलो सब लिपटे हुए हैं। बिल्कुल महाराज जी, अब मोह माया छोड़ कर समलो अगर भजन जो कर रहा समलो उसको भी समलो अगर इस तरह सती होगा समलो तो दिक्कत है। नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश चित्कुट लाइफ यूट्यूब चैनल से। जैसा कि दोस्तों नित्य दिन हम आपको नए नए साधु संतों के दर्शन करवाते रहते हैं, और आज इसी कड़ी में हम चित्रकूट के घनघोर जंगल में आए हुए हैं, और इसी घनघोर जंगल में एक संत महात्मा रहते हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही पुराने संत हैं, जिनको मौनी और छौनी बाबा के नाम से जाना जाता है। तो आज उन्हीं के दर्शन करेंगे और उन्हीं की कुटिया चलेंगे। दोस्तों देख सकते हैं ऐसी रास्ता है, और ये जंगल का पूरा रास्ता है, और यहीं से जाने के लिए रास्ता बनाई हुई है, और इसी रास्ते से हम लोग चलेंगे। और इधर आप चारों तरफ देखेंगे तो जंगल ही जंगल दिखेगा। इधर एक बार दिखा दीजिए, देखिए इधर बड़े बड़े वृक्ष आपको दिख रहे होंगे। दोस्तों देख सकते हैं ऐसा घनघोर जंगल है, और इसी घनघोर जंगल के बीच से रास्ता काट के बनाई गई है, और इसी रास्ते से हम लोग अंदर जाते हैं तो महाराज जी के आश्रम पहुँच जाते हैं। तो आइए चलते हैं, आपको ले कर चलते हैं। दोस्तों देख सकते हैं मतलब कि ऐसा रास्ता बनाया गया है, और यहाँ पे देखिए जाल लगे हुए हैं, क्योंकि ये वन विभाग के जाल लगे हैं, क्योंकि इसमें रात में जंगली जानवर आते हैं, जैसे कि तेंदुआ हो गया, बाघ हो गया, और क्या कहते हैं हिरन हो गए, भालू हो गए, इस तरह के यहाँ पे जंगली जानवर आ जाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे जाल लगाया गया है। लेकिन यहाँ पे नीचे से निकलने के लिए रास्ता भी बनाई गई, यहीं से साधु महात्मा हमारे आते हैं जाते हैं, और यहीं पे ऊपर निवास करते हैं। देख सकते हैं मतलब इधर भी जंगल आपको दिखेगा, अब इधर भी ऊंचा ऊंचा पहाड़ दिखेगा आपको, देख सकते हैं पूरा घनघोर जंगल है। और इसी रास्ते से हम लोग निकल के चलेंगे और आगे आपको महाराज जी का आश्रम दिखाएंगे। तो आइए चलते हैं। देख सकते हैं दोस्तों ये महाराज जी की कुटिया है, बियाबान जंगल में, घनघोर जंगल में। देख सकते हैं यहाँ पे आवाज़ें किस तरह की आ रही हैं, देखिए पूरा जंगल दिखेगा आपको चारों तरफ जंगल। ये देखिए जंगल ही जंगल है, पूरा घनघोर जंगल है, यहाँ पे भालू बाघ वाघ इस तरह के जंगली जानवर रहते हैं। देखिए आइए चलते हैं दोस्तों महाराज जी की कुटिया की ओर। ये देखिए ऊपर महाराज जी की कुटिया बनी हुई है, अभी वहाँ चलेंगे, महाराज जी के दर्शन करेंगे, सत्संग करेंगे। और ऐसी रास्ताएं हैं, देखिए यहाँ से रास्ता जाती है, इस रास्ता से ऊपर सीढ़ी चढ़ के जाना होगा। अभी चलते हैं ऊपर, महाराज जी की कुटिया आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं कितने बड़े बड़े वृक्ष लगे हुए हैं, देखिए आइए चलते हैं ऊपर। देखिए ऐसी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, जंगली जानवरों से बचने के लिए यहाँ पे महाराज जी ने लट लगाया, इसे निकाल देते हैं, चलते हैं। ये देखिए दोस्त महाराज जी कुटिया, ऊपर जी ऊपर हनुमान जी बैठे हुए हैं, अभी ऊपर चलेंगे, हनुमान जी के दर्शन भी करेंगे। आइए दोस्तों चलते हैं महाराज जी के पास और महाराज जी की सेवा पहुँचाते हैं। जय सीताराम महाराज जी, सीताराम महाराज जी लीजिए, ठाकुर जी की तरफ से आपके लिए कमल। देखिए महाराज जी कितने सुंदर है, और इसी में महाराज जी रहते हैं। देखिए ठाकुर जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो महाराज जी आपके गुरु जी बैठे हैं क्या यहाँ पे? अच्छा अच्छा, पहचानते हैं
गुरु जी तो हमारा विश्व पहचानता है, अपने पहचानते भी हैं। जी जी। श्री श्री 108 और श्री नृत्यगोपाल दास जी महाराज उनका नाम है ना। अच्छा। राम जन्मभूमि अध्यक्ष। जी जी जी। सकल से तुम लोग हर चीज मोबाइल पर लोग देते रहता है, पूछे छोटी छोटी के बारे में समझ लो की जाने में। क्लियर फोटो नहीं दिख रही ना उनकी महाराज जी की, अलग अलग फोटो हैं लगी हुई है। वही है, नाम तो सुने हैं महाराज जी का, देख सकते हैं दोस्तों। महाराज जी ये गुफा है आपकी, मतलब यहाँ पे ठाकुर जी बैठे हैं क्या? ना ना, वहाँ तो भजन होता है। अच्छा, वहाँ पे भजन करने के लिए ध्यान होता है। अच्छा अच्छा, महाराज जी की कुटिया, छोटी सी कुटिया है, अकेले ही रहते है ना महाराज जी? और चला था वो, गया है बाहर। अच्छा अच्छा, महाराज जी आपका शुभ नाम क्या है? हमारा शुभ नाम गुरु जी का दिया हुआ एक छोटा सा नाम सिया रामदास है। सिया रामदास जी। जैसे महाराज जी यहाँ पे कोई भक्त आते हैं तो आपको मतलब किस नाम से लें कि आप तक जानकार, मतलब आपको पा जाएं, मतलब किस नाम से यहाँ पे जानते हैं लोग आप? नाम तो मौन रहते हैं तो मौनी है, मौनी जी कुल जानते हैं। सुनो, नाम से सुनो साधो कोई नहीं जानता, सुनो लोग अधिकांश लोग। जी जी। नाम से कौन जानता, सुनो संत भेष भगवान है। बिल्कुल बिल्कुल, भेष से सुनो सब जानते हैं। जी मेरे यहाँ 11 साल हम मौन रहे जी, इसे मौनी जी सब कहते हैं जी। अब मौनी भी बहुत है, मौनी भी बहुत है, मगर छौनी का मौनी जी समझो, अयोध्या छौनी का हम कृपा पात्र हैं जी जी। छौनी का लोग जानते हैं कि छौनी का संत है हमारा, स्वरूप से बता सकते हैं समझ लो कि छौनी का मौनी जी वहीं है रहते हैं। मतलब जैसे कोई भक्त आते हैं तो छौनी का मौनी पूछ लें एक बार तो लोग बता सकते हैं कि महाराज जी वहाँ पे रहते हैं। महाराज जी आप तब गुरु स्थान मतलब अयोध्या है? अयोध्या। अच्छा, महाराज जी आपके गुरु जी कौन थे बताए ना? श्री श्री 1008 श्री सामन नृत्य गोपाल दास जी महाराज। अच्छा अच्छा। राम जन्मभूमि अध्यक्ष, कृष्ण जन्मभूमि अध्यक्ष। अच्छा, वो महाराज जी मतलब अयोध्या में ही रहते थे, आपने भी मतलब वहीं से रह के गुरु दीक्षा ली है। महाराज जी कितने साल आप अयोध्या में रहे? अयोध्या में बहुत साल रहे। अच्छा, 18-20 साल। अब तो महाराज जी अयोध्या में भव्य राम जी का मंदिर बन गया, अब उद्घाटन में नहीं गए महाराज जी? हाँ, समझ नहीं, कोई यहाँ रहने वाला नहीं, ठाकुर जी छोड़ के कहाँ जाए जी। हम तो चाहते हैं कि सनातन धर्म का समझो विकास हो, समझो कल युग में समझो भजन करने वाले लोग बहुत कम लोग होते हैं, मोह माया में समझो सब लिपटे हुए हैं। बिल्कुल महाराज जी। अब मोह माया छोड़ के समझ लो अगर भजन जो कर रहा है समझ लो उसको भी समझ लो अगर इस तरह से ही होगा समझ लो तो दिक्कत है। बिल्कुल महाराज जी। मोबाइल बनाए, टीवी बनाए, संत को प्रचार कीजिए, प्रसार कीजिए, उसके लिए कोई बात नहीं है जी जी, मगर इसमें समझ लो अगर बनावटी कर करके समझ लो साधु को समझ लो इस तरह करता तो सनातन धर्म का थी है महाराज जी। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मतलब साधुओं से पूछते हैं और जैसे वो कुछ नहीं बताते तो उनका मतलब मजाक उड़ाते हैं, तो ये गलत बात है एक तरह से भाई, वो भजन तो कर रहे हैं, उनका चोला ही है, इस तरह का क्या किया जा सकता है? हमको पढ़े लिखे थोड़े साधु होता है, जितना आप पढ़े लिखे उतना साधु थोड़े पढ़े लिखे होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है महाराज जी, साधु अगर पढ़े लिखे रहता फिर साधु बनता काहे के लिए? बिल्कुल सही है। तो महाराज जी मतलब कि जैसे साधना भजन करते हैं तो क्या मतलब कि शास्त्रों का ज्ञान होना जरूरी है तभी हम साधु संत बन सकते हैं? उतना जरूरी नहीं जितना जरूरी समझ आप मानते हैं, समझे ना? जी जी। जब शास्त्र बता रहा है तो समझ लो नाम ही एक आधार है जी, दूसरा कोई आधार नहीं है। शास्त्र ही बता रहे हैं कि नाम आधार से भजन कर सकते हैं। हाँ जी, कलयुग केवल नाम आधार है जी, नाम से ही समझ लो कल्याण होगा। कलयुग जोग न जब न ज्ञान जी जी, है कलयुग में जोग जब कर चारना करेंगे तो नहीं होगा, कारण कि मन दूषित है, अन्न दूषित है, पानी दूषित है, हर चीज दूषित है जी जी, कोई चीज बढ़िया मिलता नहीं। अब हवन करेंगे चाहे वहाँ घी की जरूरत है, घी बढ़िया शुद्ध नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा महाराज जी आज की डेट में नहीं मिलेगा, तब तो कैसे होगा महाराज जी? बहुत से जैसे ग्रस्त लोग हैं वो मतलब जैसे नाम ही लेके अपना भजन करते हैं, बाकी उतना टाइम तो निकाल नहीं सकते हैं कि अपना मतलब कि पूरा टाइम भजन पे दें। नहीं, कारण नाना जंजाला, गृहस्थ लोग को उतना समय कहाँ मिलेगा, नहीं मिलता है जी। तब उसमें है कि नाम अगर जाप कर रहे हैं समझ लो, दान पुण्य कर रहे हैं समझ लो, कि कलयुग धर्म चार प्रगट जैसे चौपा नहीं आता होता है जी, एन केन विधि दान करे, दान करे कल्याण जी, कलयुग में दान ही कल्याण कर सकता है संसार को जी जी है। कलयुग धर्म न किसे है चौपा इसका जी, है चार प्रकार के बता रहे हैं, एन केन विधि दान करे, दान करे कल्याण समझ लो, कि संसार का लोग अगर भजन न कर पाते तो दान करे, साधु जो संत भजन कर रहे हैं नियम पूजन कर रहे हैं समझो उसमें सहयोग करें। तो महाराज जी किस प्रकार का दान करें? अब देखिए किस प्रकार दान करने का कोई आधार नहीं होता, मतलब कि वस्त्र दान करें, अन्य दान करें, वही दान होगा, धन वस्त्र धन समझो दान किया जाता है, उसका दान होता
जी है? अब कोई संत को रहने का व्यवस्था नहीं, उसको व्यवस्था किया जाए जी। भोजन का व्यवस्था नहीं, उसको व्यवस्था किया जाए जी जी। है कपड़ा उसको व्यवस्था किया जाए, अशुद्धि का व्यवस्था किया जाए, और दान क्या होता? जो सहयोग हो, जो सहयोग जितना उचित हो उतना कर सकते हैं। क्षमता जितना है आपके पास में, समझ लो क्षमता के हिसाब से दान होता है जी जी। अब हमारे पास क्षमता जितना है उतने दान कर सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी बिल्कुल। जो भजन नहीं कर सकते तो अपना थोड़ी सी हिस्सा, मतलब 100 का 10% हिस्सा अपना दान में लगा सकते हैं। तो हर लोग के समझ लो कहता, शास्त्र भी कहता है 10% दान करना चाहिए जी जी। अब हमारा वार्षिक आय समझ लो 1 लाख का है तो 10,000 उसमें दान करो जी जी, है तो समझ लो कल्याण होगा। बिल्कुल, कहते हैं महाराज जी मतलब दान देने से कभी घटता नहीं, घटता नहीं। तो महाराज जी किस तरह की जगह में दान किया जाए? आज की डेट में बहुत से लोग कहते हैं किस तरह की जगह में हम दान करें कि हमारा कल्याण, हमारे परिवार का कल्याण। जहाँ आपका समझ लो कि आत्मा जैसे कि निसंत सही है जी, वहाँ दान कीजिए। दान का भी समझ लो सही बता रहा है जी। अब समझ लो ढोंगी को दान कर देंगे, समझ लो दान लेकर के समझ लो नाराज खर्च कर देगा, समझ लो दारू पी लेगा, गांजा पी जाएगा, दुनिया कर देगा, घर गृहस्थी में खर्च करेगा तो क्या होगा जी जी। अभी बड़ मन समझ लो है, दान समझ लो कोई सब पचा नहीं सकता, भजन करेगा वही पचा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल है। अब गृहस्थी समझ लो बहुत लोग साधु यहाँ बने हुए हैं, समझ लो घर गृहस्थी वाकर अपना घर में 4 महीना घर में रहे, 4 महीना यहाँ रहे है, भजन अपना दक्षिणा विदाई ले रहे हैं, दुनिया कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? विश्वनाश हो जाएगा उसका ना जी जी। बड़ मन से जो खा जला मुन से जाए है जी, ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, समझ लो संतो लोग कर रहे हैं। भजन करने का मतलब है जो दान लोग उसको पचाने का क्षमता है, समझ लो कि जो भजन करे जी जी। एक दिन भंडारा किसी को पाने का मतलब 6,000 जाप उसको करना चाहिए, एक बार भंडारा करने का। हाँ, अब निदिन 6,006 भंडारा, एक भंडारा करे तो 6,000 जाप करोगे तब ना उसको भंडारा का जो पूरा उसको कल्याण होगा। बिल्कुल महाराज जी, अन्य तो तुम्हारा पर ऋण हो जाएगा। अब बहुत से लोगों को मतलब उसकी जानकारी ही नहीं है, वो डायरेक्ट भंडारा चालू। हाँ, दिन भर भंडारा कर रहे हैं, करने वाले कर रहे हैं, ले रहे हैं, अपना सुकृत को समझ लो खत्म कर रहे हैं जी। जो आगे का भी जो है पुण्य प्रताप समझ लो भी खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, मोह घेर लिया, मोह तो समझ लो पाप कराता है ना। बिल्कुल महाराज, मोह सकल व्याधिन का मूल है। मोह महाराज, मोह माया ऐसी चीज है कि लोग मतलब छोड़ के भी नहीं छोड़ पाते। छोड़ेंगे जब तक तो भगवान का कृपा नहीं होगा, नहीं छूटेगा। राम जी कितनों लाख उपाय करेंगे, भगवान का कृपा बिना नहीं छूटेगा। तब कितने लोग आते हैं महाराज हम भी साधु बन जाएंगे, हम भी बन जा। 2-4 दिन रात महाराज इसमें घर का समझ लो खबर आ गया जी। जब तक भगवान का कृपा नहीं होगा तो समझ लो उतना त्याग तपस्या कैसे होगा? भगवान ने समझ लो क्या सिखाया संसार में? त्याग त्याग। अयोध्या ऐसा वैभव से समझ लो इंद्र समझ लो उसका समझ लो की तुलना अति करता था, उतना लोक संपदा था अयोध्या में जी। उसको भगवान ने त्याग दिया। भरत जी ने त्याग सिखाया ना? बिल्कुल है, जबकि पिता ने उसको राज दिया था, राज दिए थे। बिल्कुल, वो चाहते तो आराम से राज करते, मगर राम के बिना समझ लो राज भी समझ लो फीका पड़ता है। महाराज जी आपका अयोध्या से बुलावा तो आया रहा होगा? बहुत से संत यहाँ गए हैं, बहुत से संत गए हैं, जिनके पास में समय है समझ जा सकते हैं जी। जाने की इच्छा हमें भी करता है, मगर बात है कि ठाकुर जी छोड़कर सेवा पूजा छोड़कर कहूँ जाने का सवाल नहीं होता जी जी। अब इसके लिए समझ लो सब परिवार छोड़े, घर छोड़े, अब उसको छोड़कर कहाँ जाएंगे? बिल्कुल, राम जी जहाँ रहे हैं तहे राम जी हैं। महाराज जी आप बाल संत रहे कि मतलब गृहस्थ से? नहीं नहीं, बाल संत हैं, सब गृहस्थ संत। तुम लोग रहते तुम लोग तो फिर यहाँ क्या रहते? महाराज जी आपने शादी नहीं की? अभी क्या कर रहे हैं, शादी तो शादी करते तो हम लोग यहाँ क्यों रहते हैं? क्या जरूरी था? महाराज जी ऐसा क्या विचार आया कि आप संत बन गए? संत जीवन तो भगवान का कृपा है राम जी, विचार कुछ नहीं होता समझ लो, हम सब भगवान का कृपा से होता है सब जी। एगो कृपा होता है, एगो अति कृपा होता है, अति हरी कृपा जहाँ पर होई अब पांव धरे सो मार्ग सोई। भगवान की कृपा तो सबके ऊपर है, चोरों के ऊपर कृपा है, साधु के ऊपर भी कृपा है, सबके ऊपर कृपा। बिना कृपा के समझ लो कुछ नहीं। भगवान तो सबका संतान, भगवान सबका संतान मानते हैं, भगवान ही सबका पिता है। मगर पिता होता है जो पिता के आदेश में चलता है वो पुत्र ज्यादा प्यारे होता है। बिल्कुल बिल्कुल, एक पिता के विपुल कुमार है, कोई पृथक कोई शील आचार्य, कोई पंडित कोई तापस ज्ञाता, कोई धनवंत कोई सुरताता है। जो भगवान के समझ लो ज्यादा नजदीकी है उसी को समझ लो भगवान अपनाते हैं जी जी जी। भगवान कहते हैं निर्मल जन मन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद न पावा जी जी। समझे? तो जिसका निर्मल जन मन है समझ लो वही पास भगवान को प्यारा है, प्यारा है। बिल्कुल,
बाकी भगवान जी के लिए मतलब सब सब संतान बराबर है। हाँ। वो चाहे अच्छा करे चाहे बुरा करे। हाँ। वो तो उसके कर्म है, उसके फल फिर मिलेगा मिलेगा। मनोजोनी सबसे श्रेष्ठ जोनी ना है, 84 लाख में सबसे श्रेष्ठ जोनी है जी जी। ये कल्याण का मार्ग है, कल्याण का रास्ता बता सकता, दूसरे कोई जोनी में समझ लो कुछ नहीं कर सकता। महाराज जी मनुष्य को मतलब कैसा कर्म करना चाहिए? अच्छा कर्म करना चाहिए, धर्म करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, पाठ करना चाहिए, किसी को सताना नहीं चाहिए, किसी को दुख दुखाना नहीं चाहिए। ये कर्म है, आओ क्या कर्म है आज की डेट में? तो महाराज जी मतलब लोग एक दूसरे को सता ही रहे हैं। तो सता रहे हैं तो फिर वो जाएंगे वहीं पर 84 में जाएंगे क्या करेंगे? 84 में जाएंगे। हम कहते हैं किसी को दुख दुखाना नहीं चाहिए जी जी है? अब संसार समझ लो इतना कवि लोग गा रहे हैं, समझ लो बजा रहे हैं जी जी, सुन रहे हैं सब कुछ। पहले तो समझ लो तुलसीदास जी महाराज ग्रंथ लिखे जी जी, तो ग्रंथ से पढ़ करके समझ लो कुछ किसी सबको ज्ञान नहीं हो सकता, कारण सब पढ़े लिखे रहे नहीं, नहीं रहे, पढ़े लिखे सुन लो ज्ञान होता जी जी। मगर रामानंदाचार्य तो महाराज समझ लो कि वो सबको कर्क बता दिए जी जी। टीवी महाभारत देखे, रामायण देखे, समझ लो शिव पुराण देखे, विष्णु पुराण देखिए, सब कुछ करके बता रहा है वो तो। बच्चों बच्चों को मतलब हर उसे जोड़ दिए, जोड़ दिए, सबको ज्ञान होना चाहिए जी। मगर उस करते हुए देखते हुए पढ़ते हुए समझ लो सब कुछ नहीं कर रहे हो, समझ लो जाना 84 में जी, कुछ होगा नहीं। महाराज जी आज के डेट में हम देखते हैं कि जो लोग मतलब गलत काम करते हैं तो उनके पास धन वैभव ताकत सब कुछ है। कलयुग ना है, कलयुग में तो इन का है ना कि समझ लो जो गलत करेंगे समझ लो उसको भर देंगे, जो धर्म करेंगे उसको थोड़ा सा डाउन करेंगे। जो धर्म करते हैं अच्छे रास्ते पे चलते तो महाराज जी हमेशा सताए जाते हैं, कलयुग में ऐसे होता है। महाराज जी उल्टा क्यों हो रहा है? वो अब कर रहा है कलयुग समझ लो जल्दी नाश होने का, मतलब यही ना है कि समझ लो उसका देखा देखे वो पाप करेगा जी है। अब पाप में समझ लो वृद्धि है, एक कथा सुनाया ना हमको कथा, एक घर में गांव में शादी हुआ जी है, एक पंडित जी बेचारा बहुत गरीब था समझ लो, तो उसका घर में रोटी पानी नहीं मिलता था, चल गया विदेश कमाने के लिए, बाहर कमाने के लिए जी। घर में आया समझ लो कि नया दुल्हन, समझ लो कि उसको रात में लग गया डोल डाल जी, और डोल डाल लग गया तो हवन उवन हुआ था, समझ पूजा करने हुआ था घर में जी जी। तो समझ लोग अब सोचा भाई किससे कहें, शर्माया बेचारी जी जी, नया नया का समझ लो बात था जी, उस समझ शर्माया तो समझ लो किसी ने पूछा, रात में उठा वो हवन को भगवती हटा करके वहाँ डोल डाल करके उसको ढक दिया जी जी। कलयुग समझ लो उसको सोना बना दिया है, भगवती उठा कर गंगा में पड़वा करने के लिए सोचा घर वाला, उसे सोना का अथी निकल गया। वो तो उसने सोचा भाई सोना कहाँ जिसमें आ गया, अब वो बहू उसका जो था समझ लो नया, वो उसने समझ लो अपना अथी करने के लिए उसने बता दिया कि हम ऐसे से कर दिए थे। अब रोजना हवन करने लगा, रोजना डोल डाल करने लगे, उसमें करने लगा। अब करते करते समझ लो पूरा गांव ही प्रचार हो गया, पूरा गांव करने लगा। पंडित जी बेचारा गया कि बाहर कमाने, तो कमाते रह गया। वो बढ़िया ने अपना सोच रहा पंडित जी आता तो भाई हवन करता, मेरे यहाँ तो पंडित जी था नहीं जी। गांव आया तो गांव का समझ लो साले दो साल में रंग रूप बदल गया, भाई गांव पहचान नहीं रहा कैसा, मेरा गांव ऐसा था जैसा हो गया कैसा। पंडित जी आया पढ़िया ने सब बात बताया कि आप हम गए कमाने के लिए, यहाँ तो समझ लो महाराज आप ही समझ लो कि पूर्ण प्रताप से गांव बचा हुआ, अगर आप यहाँ से निकल जाए देवी समझ लो तो गाँव में आग लग जाएगा। सो बात हाँ चलिए तो निकल चले। पंडित पढ़िया ने समझ लो जितना घर में सर सामान है समझ लो सब लेकर बांधो, कुछ छूटे नहीं। पंडित पढ़िया ने समझ लो सब कुछ बांध के गांव से बाहर गया तो आग नहीं लगा, कहते महाराज आप कह रहे थे आग लग जाएगा गांव में, आग नहीं लगा। कल के आप ध्यान कीजिए आपका कुछ छूट गया है घर में, कुछ सामान है उसका पुण्य प्रताप भी होगा। हाँ, कुछ छूट गया। हाँ तो उसने कहा हाँ तागा सुई समझ लो छप्पर में खोसा हुआ रह गया। क्या खोसा है? तागा सुई, अच्छा धुई धुई सुई धागा। हाँ सुई धागा उसमें घुसा खोसा है, तो जाके ले आओ। लेकर के जैसे निकला सब लोग गांव में आग लगना शुरू हो गया, पूरा गांव जल गया। तो वही बात है कलयुग में देखा देखी पाप होगा, देखा देखी पुण्य होगा, सब लोग ये सब लिखा हुआ है। बिल्कुल महाराज जी, लोग एक दूसरे का देख के मतलब उसका कंपटीशन करना चाहते हैं कि वो अगर वैसा कर रहा तो मैं भी वैसा करूं, ये नहीं सोचते कि गलत है कि सही है। सही कुछ नहीं। महाराज जी सही गलत की पहचान कैसे होगी, कैसे उस रास्ते पे चलेंगे लोग? मनुष्य को सब जान रहा है सत्य क्या है जी, पूरी दिशा नहीं जान, जान रहे हैं हम लोग संसार अति एक दिन इस संसार से जाना है जी, तो सब जान रहे हैं संसार का बारे में, तो सब जान रहे हैं कि हम लोग इस संसार से एक दिन जाना है।
कोई आगे आया आगे जाएंगे, पाछे आया पाछे जाएंगे, जिसको जिस बहाने भगवान ने भेजा है जी, उसी रूप से जाएंगे। महाराज जी लोग सब कुछ जानते हैं कि मतलब मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन वो अपने परिवार की बात नहीं मानते ना और किसी की बात मानते, लेकिन जब साधु संत बोलते हैं तो लोग उनकी बात मानते हैं। तो साधु संतों को जो प्रसंग होता है महाराज जी, तो उससे लोगों के ऊपर काफी प्रभाव पड़ता है। हाँ प्रभाव पड़ता है, तो कुछ ही लोग मानते हैं जी, अगर पूरा लोग माने समझो तो फिर पाप होगा नहीं समझ लो जी। तो जानते हैं समझो झूठ बोलना पाप है, सब कोई जानता है झूठ बोलना पाप, पाप है, लेकिन फिर भी मैं फिर भी बोल रहा हूँ जी। राम चरित मानस में सब कुछ पढ़ लीजिए, उसको समझ लो, उसको समझ लीजिए। आप सब पढ़े लिखे ज्यादा हैं, हम तो उतना समझ भी नहीं पाते हैं, मगर उसको सारा आपका जीवन का सारा सारांश मिल जाएगा जी। उत्तर कांड केवल आप पढ़िए, पूरे रामायण को भी पढ़ने की जरूरत नहीं है जी, जी। केवल उत्तर कांड को आप पढ़िए समझ लो, उतने में आपका जीवन का पूरा सारांश मिल जाएगा जी। हर चौपाय का उत्तर और प्रश्न सब रामायण में लिखा हुआ है। अब तुम्हारा जी जैसे हम देखते हैं कि मतलब अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग रामायण रामचरितमानस है, अलग अलग भाषाओं में, उसमें अलग अलग मतलब अपना अपना लोग घुसे। रामचरितमानस अलग अलग कहीं नहीं है, वो अपना मन के मन मनमुखी रामचरित बना ले समझ लो, तो उसको थोड़े को मतलब होगा। मुझे तुलसीदास जी हमारा बनाया इतिहास तो वही बना ही जाएगा ना जी जी। अपना मन से समझ लो कर देंगे समझ लो, थोड़े कुछ रामायण होगा वो कुछ नहीं। बहुत से लोग हैं मतलब अपने से उसमें और एक्स्ट्रा श्लोक घुसेड़ रहे हैं। राम भद्राचार्य भी तो अपना अष्टक घुस गए थे समझो, इस पर समझो सब सनातन धर्म वाले समझो विरोध किए जी जी है? जी इनको मानना पड़ गया अंतिम में। ग्रंथ लिख सकते हैं जी, अपना अलग, दिमाग से अलग लिख सकते हैं, मगर रामायण को समझ लो अति नहीं कर सकते आप जी जी। रामायण हमारे समझ लो की इतिहास का समझ लो पौराणिक ग्रंथ है जी, साधारण ग्रंथ नहीं है। छवो सात सब ग्रंथन को रस है जी जी, इस सब शास्त्र को मिलाकर के तुलसीदास जी महाराज लिखे हैं जी। महाराज जी जब पहले से मतलब रामायण थी तो रामचरितमानस लिखने की क्या जरूरत थी? जैसे रामायण पहले से लिखी थी वाल्मीकि जी ने, तो रामचरितमानस लिखने की क्या जरूरत पड़ी? वाल्मीकि जी लिखा सुन लो संस्कृत देव भाषा में लिखा था ना, सबको नहीं पढ़ सकते है ना देव भाषा जी, संस्कृत सब पढ़ सकते हैं। तुलसीदास जी महाराज से लिखे समझ लो कि सरल भाषा में हिंदी में लिखे, संस्कृत में तो तुलसीदास जी ने भी लिखा है ना, तुलसीदास जी महाराज जैसे वहाँ राजापुर में हम देखते हैं तो उसमें संस्कृत में ही लिखा हुआ है महाराज, संस्कृत पे ही लिखा हुआ है। नहीं नहीं वाल्मीकि देखा होंगे। नहीं 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 राजापुर में जो रखा हुआ है महाराज तुलसीदास जी का लिखा हाँ। तो वो संस्कृत पे ही लिखा हुआ है महाराज जी। नहीं नहीं रामचरित मानस को समझ लो सरल भाषा में समझ लो तुलसीदास जी महाराज लिखा है। इसे राजापुर में समझ लो बहुत से समझ लो ठगने वाले भी समझ लो अपना ग्रंथ खोल करके बताते रहते हैं जी, भगत को चेतावनी के लिए समझ लो उल्टा सीधा ये लिखा है राम हनुमान तुलसीदास जी महाराज लिखा है, मगर समझो शास्त्र जो कहता है उसको माना जाएगा ना जी। है तुलसीदास वाल्मीकि जी लिखे देव भाषा में समझो संस्कृत में जी। है ऐसे तो समझ लो कि विद्वान लोग बहुत सी बात बताते हैं कि हनुमान जी समझ लो पहले तो समझ लो कि रामचरित मानस को लिखने वाला शंकर जी है जी जी। रामचरित मानस को सबसे प्रथम लिखे शंकर भगवान जी। है उसी ने समझ लो सुनाए पार्वती जी को जी। है गरुड़ जी काक बसु ने सुनाए गरुड़ जी को जी। इस तरह समझ लो कि शास्त्र को समझ लो को शंकर भगवान से समझ लो रामचरित मानस हुआ है जी। अब वाल्मीकि जी ही दूसरे रूप में दूसरे जन्म में आकर के समझ लो तुलसीदास जी बने जी। ऐसा भी समझ लो कहते हैं नहीं समझ लो सही है जी। एक बार समझ लो हनुमान जी लिखे थे अपना रामचरित जी का समझ लो जीवन चरित्र लिखे थे वो हनुमान जी। हनुमान जी अपना कनिकार से कौन तो पल शिला पर लिखे थे जी। उसने समझ लो कि जाके वाल्मीकि जी को दिखाए अच्छा कि भगवान देखिए हम लिखे हैं जी। क्या आप सही पढ़ के इसको देखिए, कल हम इसको पढ़ेंगे तब समझ लो कुछ बता सकते हैं। उसने पूरे रामायण को पढ़े, इसमें रामचरित मानस में इतना दिव्यता था झलक रहा था उनको समझ लो, इतना बढ़िया लगा पढ़ने में। वाल्मीकि जी सोचे कि समझ लो अरे हमारा रामायण तो समझ लो इसके सामने ठप हो जाएगा, जब हनुमान जी का रामायण जी संसार में प्रचार होगा तब हनुमान जी फिर पूछे दूसरा बार के समझ लो कि महाराज आप पढ़े तो कैसा लगा, अगर रामायण आपका अति तो बहुत बढ़िया है जी, उसको खूब प्रशंसा किए। कल के तो महाराज आप इतना हमारा रामायण का इतना प्रशंसा किए तो आप कुछ मांगिए जी, आपका कुछ दक्षिणा हम दे दें समझ लो तब हमारा भी कुछ अति होगा।
बल्कि हमरा अगर देना चाहते हैं तो इस शिला को समुद्र में विसर्जन कर दीजिए, अगर हमारे दिल से आप देना चाहते हैं तो। ठीक है चलो, हम तो किसी को उसमें अथी के लिए लिखे थे नहीं, अपना हम अपना मन का अथी करने के लिए लिखे थे। जी जी हैं, अगर आपका अथी है, आप पढ़े, आप अच्छा बताए जी, तो समझ हम खुश हैं जी। आपका आगे आदेश है तो हम शिला विसर्जन करते हैं, समुद्र विसर्जन कर दिए जी। तो हनुमान जी उस समय मन में कहेगा इस जन्म में नहीं, अगला जन्म में आपको समझ लो ये तुलसी लिखना पड़ेगा इस रामायण को जी। तो रामायण को समझ लो हनुम वाल्मीकि जी हैं, समझ लो तुलसीदास जी दूसरे जन्म में आए जी, तो समझ लो लिखे हैं। महाराज जी तुलसीदास जी के बारे में भी बहुत सी कहानियां किस्से हैं, मतलब बहुत सी हम लोगों ने किताबों में भी पढ़ी है कि तुलसीदास जी की ससुराल राजापुर के उस पार थी, तो वो मतलब कि अपने घर वाले से मिलने के लिए मुर्दे पे चढ़ के गए थे, क्या मतलब ये मतलब सही है महाराज जी? ऐसा कोई शास्त्र में नहीं दिया, ऐसा शास्त्र करके बहुत होता है जी, अब इसको क्या कह सकते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुने सब विधि सब संता, अपने अपने व्यास अपने अपने मन से भी कुछ कहते हैं, सुनी सुनाई कहानी में लोग सुनाते हैं। हाँ ना, देखिये कथा भगवान का कथा, किसी कथा में अगर राम का नाम जोड़ दिए, राम का चरित्र को जोड़ देने के बाद वो कथा हो जाता है जी, जी। और राम से जितना भी बात है जी, अलग जी, जी। वो व्यथा है जी। कथा नहीं, कथा तो वही जो राम से जुड़ा हुआ है, जिसमें मतलब राम जी जुड़ जाते हैं, कथा का कथा रूप हो जाता है, और जो राम से अलग है वो व्यथा है, व्यथा है, मिथ्या है। बिल्कुल, तो कथा को समझ लो, अब बालकांड के भगवान का कथा करने में को व्यास कहते हैं, तो समझ लो बहुत से कथा कर देते हैं, बहुत सी, बिल्कुल बिल्कुल। तब जो कथा जितना बढ़ा सकते हैं, कथा बढ़ने का चीज है जी जी, हरि अनंत है जी, अनंत का कोई अंत नहीं होता है, तो समुद्र है, समुद्र का कोई गहराई नहीं नाप सकता, न कथा का गहराई नाप सकता है। बिल्कुल, सुनते रहे तो राम रस बरसता रहेगा, कहते रहे तो लोग उठ के जाएंगे, नहीं सुनते रहेंगे तो वही ना है, जिसको रस इससे मिल गया है वही समझ लोग सुनते हैं जी जी। अगर सुन करके अपना जीवन में उतार लें तो कल्याण ही कल्याण है जी, मगर जीवन में उतार नहीं पाते हैं। महाराज जी बहुत से लोगों को हम देखते हैं कि मतलब कि जैसे बहुत से कथावाचक भी हैं, तो वो कथा कहते हैं लेकिन वो स्वयं अपने जीवन में वो नहीं उतारते हैं। नहीं उतारते हैं तो धंधा कर रहे हैं ना, उसका तो फल तो उनको मिलेगा ना जी। अब जानते हुए सबको अनजान कर रहे हो, उसमें लोग कि जहर जान रहे हैं कि जहर है जी जी, आ इसको जीभ से चखे हैं जी जी, तो मरना पड़ेगा ना, बिल्कुल मरना पड़ेगा। जब जान रहे हैं कि जहर है तो जहर को ना छूना चाहिए जी, और उसको जीभ से चखेंगे तो मरेंगे, बिल्कुल। तो जान रहे हैं कि समझ लो संसार अथी है, इसमें लोग उसको समझ लो तू गति कर रहे हो, समझ लो गलत कर रहे हो, तो तुम लोग उसको जाना है पहले। मतलब कुछ महाराज जी जैसे हम कुछ करते हैं, कुछ कहते हैं, तो मतलब अपने जीवन में पहले उसे उतारना चाहिए, उसके बाद हम दूसरे को सलाह दे सकते हैं कि आप ऐसा करिए, ऐसा कीजिए। बिल्कुल सही महाराज जी। महाराज जी जैसे आप यहाँ पे स्टार्टिंग में आए होंगे, तो मतलब ये तो काफी बियाबान जंगल रहा होगा, यहाँ पे सुविधाएं भी नहीं रही होंगी, कुछ नहीं था समझ लो, यहाँ तो समझ लो झोपड़ी बनाए थे, यहाँ पर समझ लो कि 4.5 साल उस झोपड़ी में रहे, अच्छा। चबूतरा अभी भी वहाँ पर मट्टी के चबूतरा पर सोते थे जी जी, यहाँ ठाकुर जी की चबूतरा बना दिए थे, वो खत्म कर दिए जी, यहाँ से बैठते हैं तो नीचे से जाते ही थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बराबर हो गया। ये महाराज जी जो गुफा बनाए थे, इसका निर्माण कैसे किए हैं महाराज जी आप? अब से किए थे, धीरे धीरे खनते खनते हो गया 1-2 साल में। ये महाराज जी भीटा रहा होगा एक तो बड़ा, मतलब भीटा मिट्टी का भीटा रहा होगा, पहाड़ था ना गड़े में, देख रहे ऊपर से नीचे तक, आगे देखे ना स्लोपिंग था, यहाँ बैठते तो हम लोग नीचे जाते छाल करके, अच्छा यहाँ बैठने का भी जगह नहीं था, पूरा पहाड़ था। इसको फिर धीरे धीरे खोद खोद के आपने बनाया, खोद खोद बनाया महाराज जी, मतलब इतना संघर्ष आपने स्वयं अकेले ही किया है, क्या करेंगे, क्या हो सकता है, करने वाला सब वही है, सब वही देते हैं। हमारे पास तो कभी जीवन में फड़वा नहीं चलाए थे जी जी, हैं उतना हमारे पास में क्षमता नहीं था समझ लो कि हम, और एक दिन हम डोल डाल गए वहां पर जी, पेड़ के नीचे डोल डाल कर रहे थे जी, तो झोपड़ी बनाते तो साला सड़ जाता, साल में समझ लो दीमक लग जाता, देखो दीमक लगा हुआ जी, दीमक बहुत जल्दी दीमक लग जाता, पूरा 6 महीना में समझ लो खत्म हो गया जी। अब लेबर को बुलावे एक खुटा के समझ लो 200 रुपया, एगो बल्ली के लाओ 400 रुपया जी जी, 5,000-6,000 रुपया समझ लो कि यहाँ पैसा समझ लो सोचे भाई तो गुफा बनाना चाहिए। हम कुछ दिन टाटी घाट में रहे थे गुफा में जी जी, हम देखे थे उसका नक्शा डिजाइन, मगर हमको हिम्मत नहीं था, कभी फरवा कुदार चलाया नहीं जी जी,
जब हम बैठे वहाँ पेड़ के नीचे डोल डाल कर रहे थे तो वहाँ देखे हम लोग दो चार क्विंटल मिट्टी चीटी निकाल निकाल कर जमा कर दिया जी, जी। उस चीटी का हम उसी पर हम बैठ कर अथी करते वही हमारा दिमाग में आ गया जब मिट्टी खोद सकती है चीटी, चीटी इतना मिट्टी को निकाल सकता है जी। तब तो मानव है बिल्कुल है? अगर दो चार क्विंटल का रोज ना निकाले समझ लो तो बहुत हो जाएगा साल दो साल चार साल में जी जी। तो उसे धीरे धीरे समझ लो फिर हम कार शुरू किए समय लोग फरुआ लाए गेती लाए सभी लाए हाँ तब धीरे धीरे समझ लो कि काम शुरू हो गया बन गया। महाराज जी गुफा बनाने में आपको कितना समय लगा? गुफा तो बाद में बनाए थे समझ लो कोई दो साल लग ही गया उसमें भी थोड़े थोड़े करके समझ लो कि इसको भी बनाने में दो तीन साल लग गया जी। कई बार पानी घुस गया इसमें समझ लो दो बार तो पानी घुस गया इसमें बनाए थे अभी इसको निपना भी नहीं किए थे जी जी। दीवार गिरने के डर से टीना रखवा दिए थे और या पानी घुस गया तो ये सब जब उतरा उतर ढह गया ये सब इतना इतना ढह गया था नीचे से जी जी। फिर समझ लो इसको सरियाए तो हर साल पानी आ जाता ना ना हर साल नहीं आता कभी कभी जब उधर डैम खोल देता है ना तब आता ऐसे दो साल पहले आया था फिर तो गुफा में पानी घुस गया था समझ लो पूरा इतना पानी आया ज्यादा पानी नहीं आया था इतना पानी आया था। अच्छा महाराज जी मंदाकिनी में जब बाढ़ आई थी तब है पानी इसमें घुसा? हाँ जी बरसात का पानी निकलते चल जाता है पहाड़ पर ना है मंडक में बरसात ऊपर में कोई डैम है वो डैम का पानी खोल देता है ना जी जी। एक घंटा दो घंटा में सब लोग भर देता है मंदाकिनी में इकट्ठा बाढ़ आ जाती है समझ नहीं आता नहीं आता वही गुफा में घुस जाता है। झोपड़ी में थे जी डोल तकने बनाते पाते थे झोपड़ी में रहते थे बना रहे थे इसको खनी खुन रहे थे गेट पर पानी था वो नीचे वहां जाकर स्नान बनाए डोल डाल इधर किए जाकर के स्नान वहां बनाए बना करके समझ लो कि कपड़ा बदल रहे थे बदलते बदलते ऊपर आ गया हमको पानी बहुत तेजी बढ़ रहा सर सामान को निकाल के इसमें लाए इसको नाते लाते समझ लो इसमें घुसने लगा तो फिर उसको उठा ले गए ऊपर चिल्ला के पेड़ तर वहां जब गए तो समझ लो पानी इसमें घुस गया पूरा घुस गया तो समझ लो सबको ये तो मिट्टी नमक की तरह है यहाँ का मिट्टी बढ़िया नहीं है हाँ तुरंत पिघल जाता है पिघल गया। तुम्हारा जी फिर आपने खुले में ही पूरा सामान रखे रहे? हाँ पेड़ के नीचे रहे किस दिन रहे जब गीला हो गया था यहाँ तक समझ लो कहाँ रखते जी दिन तक समझ लोग रहे पेड़ के ऊपर जब उतरा थोड़ा सी बच गया था गला था नहीं सोने को जगह रहा था तब उसमें लोग वही बनाते थे पाते थे समझ लो दो तीन दिन बनाए पाए नहीं समझ लोग कैसे रह गए झुंझा भुंजा था चूड़ा आंखों करके बारिश में काफी दिक्कतों का सामना बहुत सामना होता रास्ता बंद हो जाता है चारों तरफ इधर नाला है उधर नाला है इधर नदी है आने जाने का पूरा रास्ता ठप हो जाता है। तो महाराज जी फिर आपकी खाने पीने कैसी व्यवस्था होती है? ज्यादा पानी रहता है ना ज्यादा देरी ना ये चार घंटा चार घंटा छह घंटा में सब लोग निकल जाता है पानी। अच्छा। एक दिन दो दिन में सब लोग रास्ता बन जाता पानी ज्यादा देर टिकता नहीं। अभी जैसे महाराज जी आप रहते हैं तो अभी खाने पीने कैसी व्यवस्था हो पाती? सब ठाकुर जी देते हैं क्या व्यवस्था करें बता देंगे रवि मंदिर से हफ्ता मिलता है अच्छा आटा चावल काम चलते रहता है। महाराज जी आप कहीं मांगने लेने नहीं? ना कहीं नहीं जाते हैं भगवान से मांगना नहीं है तो समझ लो संसार से मांगना क्या होता जी। संसार जो कहता है उसी को समझ लो हम थोड़ा कह देते हैं ना कहता है तो समझ लो कोई जरूरत नहीं। महाराज जी आप 12 महीने परिक्रमा लगाने जाते हैं? परिक्रमा 12 महीना जाते हैं वहाँ नियम चल रहा है गणपति जाप आप देखे किए थे एक बार गणपति जाप में दो चार साल और सात साल का कोर्स है सात साल में अभी चार साल किया है चार साल और लगेगा कारण बराबर नहीं हो पाता कभी कोई तबीयत खराब हो जाता है उसमें दुख नागा हो जाता जी जी कभी कोई पानी बरसात एक दिन में समझ लोग अच्छी हो जाता है तो नागा हो जाता जी। सात साल ऐसे लगता है समझ लोग गणपति परिक्रमा करने में सात साल लगातार लगातार रोज डेली लगाते हैं डेली एक आसन को डेली करने के बाद सात साल लगेगा। अच्छा महाराज जी यहाँ पे कोई जंगली जानवर भी आते हैं इधर? अरे जंगली जानवर सुने भालू तालू बने कभी काल आता है समय लोग अच्छा। गर्मी जब ज्यादा पड़ेगा ना प्यास वास के मारे आ जाता है ऐसे हिरन ललगाई लीलगाई ये सब तो आते रहता है कारण उधर शिकारी लोग कुत्ता लेके पकड़वाता है ना उसको अच्छा खदेड़ता है दस लोग डर से भागते भागते भाग जाता है इधर चल जाता है। शिकारी भी आते हैं क्या इधर? अरे उधर वाला रजोला वाला सिमरिया वाला समझ लो पालता है रखता है अब उससे खदेड़ भाग करके समझ लो उसको फंसाता है पकड़ता है नदी में गिरवाता है उसको। हम एक बार टाटी घाट में रहते थे उसको बिगड़े थे उस पर
कोई साधु बोलने वाला नहीं, सुन लो सब डर से सुन लोग इधर उधर करता है, आदिवासी लोग रहते हैं उधर, सुन लो सब रहता सुन लो, तो कुत्ता लेके डपेट डपेट रहा था, सुन लो पानी में गिरा रहा कुत्ता, ऐसा शिकार रहता है ना, पानी जहाँ ज्यादा रहता वहाँ कुदा देगा, कोई कान पकड़ लगा, कोई उस पर चढ़ जाएगा, कोई मुड़ी उसको डुबाएगा पानी में, जब पूरा थक जाएगा तब सुन लो पकड़ लेता सब, जो कुल्हाड़ी मार देता, हम उसको खदेरे थे डांटे थे सुन लो करके, फिर बाद में आपको तुमसे लड़ाई करेगा, लड़ाई करेगा क्या करेगा सुन लो, सलाह सुन लो तू जानवर को हत्या कर रहा जी, साधु करके साधु के सामने करेगा सुन लो, जिसको भी सुन लो थी ना चाहिए ना, बिल्कुल साधु थोड़े मानेगा, सही वो तो मना ही करेंगे, गलत है तो गलत है, बिल्कुल अब वो देखिए बोल नहीं सकता, नहीं उसको भी तकलीफ है, सब ईश्वर है जीव ना, सबको ईश्वर ना है, सब में ईश्वर है ना जी जी, किसी को हत्या करने का समझो आपको अथी नहीं ना, अधिकार नहीं है, अधिकार नहीं है बिल्कुल है? किसी को आप जीवन दान नहीं दे सकते, किसी को जीवन ले नहीं सकते, ले नहीं सकते है? सही है। अब तो महाराज जी हम देखते हैं कि अगर आदमी गाय जाती है दुआरे तो खिलाते नहीं है एक रोटी, लेकिन मार जरूर देते हैं, उसका फल मिलेगा जैसा करेगा वो मिलेगा फल, में गौ को मारना चाहिए, गौ तो भी देवता है जी जी, भी प्रधेन सुर संथिता लीन मनोज अवतार, ये तीन गौ के लिए भगवान अवतार लेते हैं जी, विप्र ब्राह्मण गौ संत जी, ये जब संकट आता है तो समझ लो भगवान को आना पड़ता है धरती पर, तब भोग लगाया जाए ठाकुर जी, महाराज जी भोग लगाइए ठाकुर जी को। आइए दोस्तों चलते हैं ऊपर, हनुमान जी की मूर्ति बैठी हुई है, आइए आपको दर्शन करवाते हैं, आइए चलते हैं, देखिए दोस्तों ऐसी रास्ता है और इसी पहाड़ के बगल में, मतलब पहाड़ में ही महाराज जी ने गुफा खोद के बनाई हुई है, अंदर तक पूरी गुफा महाराज जी की बनी हुई है, चलते हैं ऊपर, ये देखिए दोस्तों हनुमान जी की कितनी विशाल मूर्ति महाराज जी ने यहाँ पे अपनी गुफा के ऊपर बैठा ली हुई है, और बहुत ही सुंदर मूर्ति है, बहुत ही विशाल मूर्ति है, और देख सकते हैं दोस्तों ये जो हम जहाँ पे खड़े हुए हैं ये गुफा बनी हुई है महाराज जी की, और इसी के नीचे महाराज जी रहते हैं, ये देखिए इधर पूरा इधर जंगल जंगल दिखेगा आपको, पूरा जंगल इधर भी, पूरा ऊपर देखिए पूरा जंगल दिखेगा, और इधर थोड़ी पीछे दिखाइए, ये देखिए दोस्तों पूरा जंगल आपको ऊपर दिखेगा, और इस जंगल से काफी मतलब जंगली जानवर भी आ जाते हैं रात में, और गर्मी में ज्यादातर इधर जंगली जानवर आते हैं, एक भालू है वो गर्मी में ज्यादा आता है यहाँ पानी वानी पीने, और हिरन उरन तो इस तरह के आते ही रहते हैं, और ये हनुमान जी की मूर्ति है दोस्तों, और महाराज जी कह रहे हैं कि अगर इनके ऊपर थोड़ी सी छोटा सा मंदिर यानी छत का निर्माण हो जाए तो बहुत अच्छा है, तो दोस्तों अगर आप कोई महाराज जी का सहयोग करना चाहते हैं इसमें थोड़ा सा छोटा सा मंदिर बनवाने के लिए तो आप कर सकते हैं, और महाराज जी तक सेवा पहुंचा दी जाएगी, और देखिए बहुत ही सुंदर स्थान है ये, हमारे भक्तों को भी आशीर्वाद दीजिएगा दोस्तों, अगर महाराज जी की आप थोड़ा बहुत सहयोग करना चाहते हैं हनुमान जी के मंदिर के लिए तो थोड़ा बहुत सहयोग कर सकते हैं, जिससे महाराज जी को काफी मदद मिलेगी और हनुमान जी के लिए एक छत का निर्माण हो जाएगा, ठीक है महाराज जी, जय श्री राम। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि आप लोगों के लिए ऐसे साधु संत महात्माओं के दर्शन करवा सकें और उनका सत्संग ला सकें, आप हमारा वीडियो देखते हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय श्री राम।